नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी नगर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के कैंप कार्यालय पर आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई चर्चा। बिलारी नगर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के कैंप कार्यालय पर आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश महामंत्री के सामने व्यापारियों ने नगर के सरकारी अस्पताल से बाजार को जाने वाली टूटी फूटी सड़क तथा ग्रामीण आंचल की जर्जर सड़कों को बनवाने की मांग उठाई। व्यापारियों ने कहा कि बिजली विभाग व्यावसायिक कनेक्शन के नाम पर अधिक दरें वसूलता है, जो कि अन्याय है। व्यापारियों से भी वही बिल वसूला जाए जो घरेलू उपभोक्ताओं से लिया जाता है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि वह यह मुद्दा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उठाएंगे। बैठक हो रही है, इसमें हमारे संजय जैन जी अध्यक्ष हैं और कार्य समिति के जो सदस्य हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। व्यापारियों की समस्या के लिए और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मेरी ये चेतावनी है कि अगर 10 छापे व्यापारियों के लगे तो एक छापा भ्रष्ट अधिकारियों के जरूर लगना चाहिए। उससे अधिकारी सचेत हो जाएंगे और जितना भी व्यापारियों का शोषण हो रहा अधिकारियों के द्वारा, ये सब बंद कर दिया जाएगा। और हमारी प्रदेश कार्य समिति में भी ये बात तय हो चुकी है। और बिजली के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली की दर जो है वो सामान्य रखनी चाहिए। व्यापारियों से जो ज़्यादा बिजली की दर वसूल की जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसा नहीं करा तो हम पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापार बंद करके सड़कों पर आ जाएंगे।